हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको पता होगा, क्या पता तो नहीं पता तो हम बता देते हैं कि हम अपने गाड़ी को लेके आ रहे थे शोरूम से रिपेयर करवाने के लिए, और हमारे शोरूम पे जेट क्रैश हो जाता है। तो और पुलिस हमसे पूछताछ करती है और हमें बुलाती भी है, तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। तभी हमें लेस्टर का कॉल आता है। लेस्टर का कहना था कि हमारे घर पर आग लग जाती है, तो हम यहाँ आते हैं। गाइज, आग लगने के कारण पूरा घर जल जाता है और हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर थे सब घायल हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और मैंने कलुआ को सेफ्टी के लिए, उनको ख्याल रखने के लिए कलुआ को साथ में भेज दिया है। तो चलते चल के एक बार लेस्टर से बात करते हैं। तो फाइनली गाइज, लेस्टर से मेरी बात हो गई। लेस्टर कह रहा है कि ये सब ड्राइवर भी करा सकता है, क्योंकि ड्राइवर का दो बेस हमने उड़ाया था। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछले वीडियो पर जाके देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं फटाफट लेस्टर के घर, क्योंकि आज रात हमें वहीं बिताना होगा और हमारे पास कोई घर अभी एक्स्ट्रा में है भी नहीं जिस पर हम आज रात काट सके। तो लेस्टर कह रहा है तुम हमारे घर चलो, क्योंकि ये घर तो पूरा नष्ट हो चुका है, मतलब आग लग चुकी है, तो क्या रहना है इसमें। अब तो फटाफट गाड़ी भगाते रात भी हो गई है, तो फटाफट अब लेस्टर के घर चलेंगे। अब जो होगा कल ही होगा। ओके, ड्राइवर को हमारा सारा लोकेशन पता है, लेस्टर का ही घर पता है, तो हो सके यहाँ भी अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे भी रुक नहीं सकते, बट आज रात हमें यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि अब कोई चारा है भी नहीं और हमारे पास ज़्यादा मेंबर भी नहीं है। हमें बस लेस्टर बचे हैं, बाकी हमारा जितना भी था बैनी वो तो घायल हॉस्पिटल में है, और कलुआ का मैंने सिक्योरिटी के पर्पज़ से उसको भेज दिया हॉस्पिटल, ताकि हमारा फैमिली सेफ रह सके। तो चलते सोने। तो ऑल राइट गाइज, सुबह हो चुका है और आज का सुबह बहुत मतलब बारिश के साथ शुरू हुआ है। तो चलते चल के एक बार लेस्टर से बात करते हैं और पूछते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हम ड्राइवर को पकड़ सकते हैं। तो चल के बात करते हैं। तो फाइनली गाइज, लेस्टर से मेरी बात हो गई। लेस्टर कह रहा है कि तुम अभी कुछ सवाल मत करो, बस चलो हमारे साथ। तो लेस्टर एक लोकेशन दिया है, वहाँ पर हमें चलना है। तो लेस्टर किसी से बात कर रहा है, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और ये माहौल बहुत सीरियस माहौल है, मुझे टेंशन भी हो रहा है कि क्या होगा आगे, मतलब कि हम पे अटैक भी हो सकता है रास्ता पर, और हमारी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ नहीं है गाइज, मतलब कुछ भी हो सकता है रास्ता पे। ऐसे भी हमारा घर पे अटैक हुआ ही है, तो हम लोग तैयार है चलने के लिए। बाकी लोकेशन पे चल के बात करेंगे क्या है क्या नहीं, कहाँ जाना है, बाकी लेस्टर रास्ता हम बताते रहेगा हमें। तो फाइनली गाइज, गाड़ी भगाते भगाते हम आ चुके हैं। आइए, जगह कुछ जाना पहचाना है। जैसे कि आपको पता होगा, पहला गाड़ी हमने इम्पोर्ट कराया था, इंडियंस कार यहीं से करवाया था, यहीं का रेलवे स्टेशन से सारा गाड़ी हमारा यहीं पर आया था। तो ये लोकेशन तो हमें याद था, बट कहाँ जाना है वो तो लेस्टर ही बता रहा हमें। तो चलते लेस्टर का दिया गया लोकेशन पर। और ये गाड़ी भी बुलेट प्रूफ नहीं है, बाकी मुझे डर हर वक्त लगा रहता है कि कहीं हम पे अटैक ना हो जाए। तो ऑल राइट गाइस, लेस्टर कह रहा है कि बस थोड़ा ही दूर और है, बस यहीं पे हमें रुकना है। तो रुक जाते हैं और लेस्टर बोल रहा है कि इसी वेयर हाउस के अंदर हमें चलना है। अब क्यों चलना है, कैसे चलना है, वो तो अंदर चल के पता चलेगा अंदर वैसा क्या है जो लेस्टर यहाँ पर आया है। तो चलते अंदर, बाकी अंदर दिखाई तो पड़ नहीं रहा, भाई साहब पीछे का चक्का उड़ गया, क्या ही बम्पर बना है। तो गाइस हेडलाइट ऑन कर लेते हैं, बाकी बाहर बारिश हो रही तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बाकी हेडलाइट है तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उतर के एक बार लेस्टर से बात करते हैं। और ये पैसा के बारे में आपको तो पता ही होगा कि मैंने चुराया था वो ड्राइवर का ड्रग लैब से, जहाँ पे हम लोग गए थे। चल के एक बार लेस्टर से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहा पता नहीं गाइज। तो फाइनली गाइज, मेरी लेस्टर से बात हो गई है। लेस्टर कह रहा है कि वो एक टीम बनाएगा, प्रॉपर टीम, जिसमें तीन बंदे रहेंगे, और क्योंकि हमारे पास बंदे एकदम नहीं है फाइट के लिए, और कभी भी हम पे अटैक हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लेस्टर ने एक टीम हायर किया है जो कुछ ही देर में आने वाले हैं यहाँ पे। तो इस लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं है, और लेस्टर इसलिए अपने घर पे नहीं बुलाया ताकि ये वो लोकेशन ट्रैवल को पता था, तो वेट करते हैं उनका आने का। तो फाइनली गाइज, इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो लोग आ चुके हैं। बट एक सेकेंड, आप सामने देखो, पीछे कहाँ देख रहे, सामने देखो, वो जी वैगन है भाई साहब, जी वैगन में आए ये लोग। बंदा तो मुझे एक ही दिख रहा है, बट ये चोर वाला अंडरवेयर पहन के आया, कौन है भाई साहब? ये है कि हमारा टीम, अरे यार ये रहा अपना टीम, असली टीम तो पीछे आ रहा है, दो दो हसीनाएँ आ रही है। तो वेट करते हैं इनका आने का, बाकी क्या लग रही है। तो गाइज, मुझे लगा था कि लेस्टर हमारा इंट्रोडक्शन करवाएगा कि हम यहाँ के बहुत बड़े माफिया है, बट लेस्टर अपना सेटिंग कर रहा है, क्या बोले, मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। बाकी हम थोड़ा गाड़ी को लुक देख लेते हैं, क्या गाड़ी मतलब मॉडिफाइड है ये जी वैगन, और ये बंदा पता नहीं क्या साफ कर रहा है उसका। बाकी ये डोर मस्त है यार, मतलब ऑटोमेटिक है, सेंसर पर काम करता, गजब है। लेकिन तो चल के बात करते हैं लेस्टर से। तो गाइज, लेस्टर बोल रहा है कि सामने जो वो जो दिख रहा है वो गेट है। तो मैंने बोला वो किस एंगल से गेट है, तो लंगड़ा बोल रहा है कि वो सही में गेट है और ये हमारा बेस होगा। तो बताओ भाई साहब, ये घुस रहा है क्या अंदर? एक सेकंड, ये तो अंदर चल गया, चलते हम भी पीछे पीछे। अरे मेरा पकड़ लिया किसी ने, अरे मेरा कोई पकड़ लिया भाई, अरे मेरा वो वाला पकड़ता तो अच्छा होता, पता नहीं वहाँ क्या था, मेरा पकड़ा गया था। तो खैर, हमारा सारा टीम आ रहा है, बाकी ये बेस था मुझे मालूम ही नहीं था, मतलब अंदर एक रास्ता है। जैसे कि यार लेस्टर यार किससे बात कर रहा है यार, मतलब नया सेटिंग पटाया होगा। खैर बात की बात है, तो हमारा ओ भाई साहब क्या ही मतलब बेस है, मतलब लेस्टर ने बाद में बताया कि ये हमारा बेस है। तो गाइज, ये हमारा फाइनली लेस्टर का कहने पे ये हमारा बेस है, तो जिससे लेस्टर ने ख़रीदा है। तो पैसा तो था ही हमारे पास, बाकी ये देखो ये रहा वो स्टैचू, ये मेरी गर्लफ्रेंड का है जो अब नहीं रही। तो खैर ये बेस होगा हमारा, तो अब हम सिक्योर भी हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब ड्राइवर हमें पकड़ भी नहीं सकता। ये इस बेस के बारे में किसी को पता भी नहीं है,
तो बाकी भाई साहब इसमें खर्चा पूरा किया गया है और हमारे पास एक प्रॉपर टीम भी है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में ही तक, हमने बेस बना लिया एक अच्छा, ये फिर कॉल पे बात करने लगा, तो खैर इसे जाने दो, तो इसे हम बाद में कूटेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे फिर और न्यू वीडियो में, और हम इंटीरियर दिखाएंगे फिर अपना बेस का, कैसा बेस है अपना। अभी के लिए यहीं तक,